हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल विल बी वेरी गुड एंड वेरी फाइन। सबसे पहले सभी को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज देखते हैं ऐसी एक होली स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इजी डेलिशियस स्वीट डिश। आपने देखकर पहचाना ही होगा, लेकिन मैं बता ही देती हूँ, यह है कोकोनट बर्फी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कद्दूकस किए फटाफट बर्फी कैसे बनानी है नारियल की, करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ लिया है एक बड़ी साइज का नारियल और इस तरह से उसे थोड़ा सा चॉप करके लिया है। अब इसे हम कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड। और ये देखिए, हमारा ग्रेटेड कोकोनट बहुत ही बढ़िया से यहाँ रेडी है। इस तरह से आपको ये अच्छे से मिक्सी में पीस कर लेना है। इसके बाद यहाँ गैस पर एक रखी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी। एक मेल्ट होने के बाद लगभग 3 टेबलस्पून घी हो जाता है। जिस भी ट्रे में या थाली में आपको बर्फी सेट होने के लिए रखनी है, उसे आपको इस तरह से थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर थोड़ा सा ग्रीस करके लेना है। तो अब चलिए, कढ़ाई और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हमारा ग्रेटेड कोकोनट। ये कोकोनट मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, और ये इतना एक फुल बाउल हमारा कोकोनट है। हमें इसके हिसाब से ही चीनी ऐड करनी है, इसलिए मैंने ये कोकोनट मिक्सी से बाउल में निकाला था। इस कोकोनट का हमें कच्चापन जाने तक इसे अच्छे से घी में रोस्ट करके लेना है। जैसे ही कोकोनट का कलर हल्का सा सुनहरा हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ये देखिए, हमारा कोकोनट अच्छे से रोस्ट हो रहा है। इसका कलर थोड़ा सा चेंजिंग है अभी भी, ये देखिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं हमारी शुगर। शुगर कितनी लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इतनी आधी बाउल से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर यहाँ ऐड कर रही हूँ। अब शुगर इसमें अच्छे से हमें डिजॉल्व करके लेनी है। डिजॉल्व होने तक अच्छे से पकाना है, और ये जल सकता है। कंटिन्यूसली आपको इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए, शुगर डिजॉल्व होने के बाद शुगर का कलर टोटली चेंज हो जाता है और ये मिक्सचर इस तरह का बन जाता है। अब और थोड़ी ही देर तक हमें इसे पकाना है। ये मिक्सचर जब जम जाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसका गोला बनने लगा है। थोड़ी देर के बाद इसका और ज़्यादा थोड़ा सा गोला ज़्यादा बनने लगेगा, गाढ़ा। इस तरह से आपको इस मिक्सचर को पकाना है। और आपको थोड़ी सी क्रंची वाली बर्फी पसंद हो तो आप इसे और थोड़ा सा 5-6 मिनट और पका सकते हो, लेकिन मुझे सॉफ्ट ही बर्फी पसंद है और सॉफ्ट बर्फी ही बनानी है। तो अब मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ एक बर्तन में, हमने जो सेट होने के लिए ट्रे बनाया है उस थाली में। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से स्प्रेड करके लेना है ये मिक्सचर, और इसकी एजेस भी अच्छे से क्लियर करके लेनी है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारी बर्फी यहाँ बनकर रेडी होने वाली है फ्रेंड्स। लेकिन आप ये सेट होने के लिए हम जब रखते हैं तो हमें इसे ठंडा होने तक का वेट करना है, और ठंडा होने के बाद ही इसे कट करना है। अब इसे सेट होने के लिए रखते ही हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ी सी नीचे की ओर प्रेस कर लेंगे अब इसे अच्छे से सेट होने के लिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी हमारी बर्फी बनने वाली है। अब इसे लगभग आधा घंटा हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद हमें इसके लगाने हैं कट। लगभग आधा घंटा हो गया है अब, और अब हम बर्फी कट करके देखते हैं हमारी बर्फी कैसे बनी है। बहुत ही सॉफ्ट लग रही है ये, तो कट करते वक्त ही हमें अंदाजा आने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये होली स्पेशल डिश आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मेरी ओर से आपकी फैमिली को और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दो। जल्द ही मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खाते रहिए, खिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंजॉय।